ये है भाई यहाँ पे रानीखेत का बस स्टैंड, बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड सारा इकट्ठा ही है यहाँ पे। और ये है महात्मा गांधी जी का स्टैचू, जो यहाँ की लेक है नैनी लेक, बिल्कुल उसके ऊपर मेन चौक के ऊपर महात्मा गांधी का स्टैचू है। मेन चौक है ये यहाँ का, नैनी लेक का, नैनीताल का। और ये है नैनी लेक के अंदर का व्यू, देखो भाई इसमें व्हाइट मछली भी आपको मिलेगी, लाल रंग की मछली भी देखने को मिलेगी। बड़ा अच्छा लगता है भाई यहाँ पे खड़े होकर, जब मछली को दाना वगैरह गिरते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई, और आज है आपका भाई नैनीताल में दोबारा से। देख सकते हैं आप मेरे पीछे का सीन, फिर से एक बार पूरी लेक का व्यू दिखाता हूँ आपको। व्हाइट कलर की मछली देखो भाई, व्हाइट कलर की मछली कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और ये रेड ऑरेंज ऑरेंज कलर, फुलबारी हो रही बंदे, फुलबारी हो रही है। क्या हो रहा भाई? अभी हम नैनीताल से निकल रहे हैं, एक बार आपको झील का व्यू दोबारा दिखाते चलेंगे। होटल से हम निकले हैं अभी सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो होटल था ये अशोक होटल है, यहाँ पे ठीक ठाक होटल है भाई, बढ़िया होटल है, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। बाकी एक दो होटल हैं वो माल रोड पे हैं, उनके लिए गाड़ी की पार्किंग साइड में रोड पे करनी पड़ती है। यहाँ थोड़ी पार्किंग की ठीक जगह थी, इसलिए यहाँ पे हमने होटल ले लिया था। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं भाई, एक बार नैनी लेक आपको दिखाते हैं। नैनी ठीक है भाई, सीट बेल्ट लगा ली। नैनीताल की जो नैनी लेक है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से सीधा चलेंगे अपने होम टाउन। ये जो गांधी जी खड़े हैं ना सामने स्टैचू में, यहीं से भी नैनी लेक शुरू हो जाती है। और यहाँ से हम अभी जाएंगे राइट साइड में, ये जो जगह है भाई ये है नैनी लेक, बिल्कुल रोड के साइड साइड में आप देख सकते हैं, ये पूरा व्यू है नैनी लेक का, ये देखो साथ में। आज तो यहाँ पे बोटिंग भी चली हुई है भाई, मेरे को लगता है प्रमोज साथ में है। रोड यहाँ पे स्वागतम 110 रुपये की पर्ची के साथ स्वागत होता है। जो आप माल रोड पे आओगे ना, 110 रुपये की पर्ची कटेगी आपकी पहले, और फिर आप माल रोड पे एंट्री कर सकते हो। भैया अभी हम भी देखो सर, 110 रुपये दो। खजांची जी, खजांची जी 110 रुपये दो सर। बिल्कुल खाली है अभी माल रोड, पर्यटक यहाँ ना के बराबर हैं। एक दो तो जैसे हम हैं, एक गाड़ी दो मारी है, एक दो और आप पर्यटक लगा सकते हो यहाँ पे, ग्रुप होंगे जो, बाकी यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ से देखो आप, आपको लेक पूरी दिखेगी, ये देखो पूरा लेक का व्यू है भाई, तो साथ ही साथ रोड साथ ही साथ लेक, अलग ही नज़ारा है भाई यहाँ घूमने का। बाकी इस नैनी लेक के ना चारों तरफ आप घूम सकते हो, दूसरी साइड से भी पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है। वहाँ तो हम नहीं गए क्योंकि पैदल ट्रैकिंग काफ़ी लंबी पड़ती है, और टाइम इतना नहीं था कि हम वहाँ जाते भाई, क्योंकि हम ऊपर रानीखेत से लेट पहुँचे थे यहाँ, और आज भी सुबह सुबह भी यहाँ से वापस निकलने का प्लान है हमारा। लेक का व्यू वैसे अच्छा है। अब जो सुबह सुबह हमारा जो प्लान था ना, वैसे तो जाने का था एक बार, ये था कि पूरी लेक का व्यू जो रोड से हम जहां तक जा सकते हैं वो बना लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ये यहां पर है भाई एक ग्राउंड, प्ले ग्राउंड है यहां पे, बिल्कुल लेक के साथ ही है ये भी ग्राउंड, आप देख सकते हैं प्यारा सा ग्राउंड बनाया हुआ है यहां पे। पहले लेक के ऊपर का व्यू दिखाया हमने, जो वन साइड चलता है, यमाल रोड पे रोड है जो सारा वन साइड चलता है, उस साइड से आए। तो अभी वापस जाने के लिए दूसरी साइड ऊपर से घूम के आना पड़ा काफ़ी लंबा, तो अभी दोबारा से माल रोड की तरफ जा रहे हैं। इस तरह का बाज़ार है यहाँ पे, देखो बिल्कुल भिड़ा भिड़ा हा बाज़ार है भाई, रोड बिल्कुल पतले से हैं मार्केट में। यहाँ से लेक दिखेगी भाई, अभी मौसम हल्की हल्की बरसात शुरू हो चुकी है, और आज यहाँ पे वोटिंग भी खोल दिया लेक में, पहले वोटिंग बंद थी अभी यहाँ खोल दिया, देखो लोग वोटिंग कर रहे हैं बीच में। काफ़ी बड़ी लेक है भैया, जो नैनी लेक है ना काफ़ी बड़ी है, देखो पानी देखो बादल, नैनी लेक के अंदर बादल दिखेंगे आपको सामने भाई, क्या सीन है यार, मज़ा आ गया देख के। भाई अभी हम नैनीताल का जो मेन चौक है ना वहाँ पे अभी हैं है हम, और अभी यहाँ से नैनीताल भाई अभी हम हैं नैनीताल के मेन चौक पर, और अभी जा रहे हैं यहाँ से वापस, और अभी नैनीताल को बाय बोलने का टाइम आ चुका है भाई,
एक बार बाय कर दो भाई सभी नैनीताल को। बाय नैनीताल। बाय बाय नैनीताल। अभी नैनीताल को बाय करके अभी हाय करेंगे जाके अपने होम टाउन को। तो चलते हैं भाई यहाँ से, गड्डी लगा देते हैं, दाते बीते चल रही है गड्डी। भाई अभी हम पहुंचे हैं रामपुर, रामपुर शहर जो काफी बड़ा शहर है भाई, आजमगढ़ का, आजम खान का मेन गढ़ है ये। और जो चाकू मशहूर है ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, चाकू कौन सा है, रामपुरी, वो रामपुरी चाकू भी यही का, इसी शहर का यही बनता है वो रामपुरी चाकू। भाई अभी हम जिस नदी के ऊपर से चल रहे हैं ना, ये जो पुल है ये है कोसी नदी का पुल। तो ये कोसी नदी है यहाँ पे, इस साइड में आपको दिख रही होगी नीचे। रुके हैं भाई तड़का डब्बा पे दोपहर का खाना खाने के लिए। इस जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई पीछे गंगा नदी का व्यू दिखाया, कितनी एरिया में गंगा नदी फैली हुई है, इस जगह का जो प्रॉपर नाम है ना वो है गढ़ मुक्तेश्वर। ये दिल्ली के पास ही पड़ती है, दिल्ली से लगभग कितने किलोमीटर पड़ेगी, दिल्ली से 90 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी दिल्ली से। गढ़ मुक्तेश्वर जगह का नाम है और बहुत बड़ा घाट है यहाँ भी हरिद्वार की तरह, और लोग यहाँ से कावड़ लेके जाते हैं, जो पीछे यूपी की तरफ जाते हैं अंदर उत्तराखंड की तरफ जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कावड़ लेके जाते हैं गंगा नदी से। तो कावड़ अभी यहाँ पे पूरे जोरों शोरों से चली हुई है, हमारे हरियाणा की साइड तो कावड़ थी जो आज से लगभग 10 दिन पहले लगभग खत्म हो गया वो कावड़ वाला सीजन, अभी यहाँ पे वो चला हुआ पूरा जोरों शोरों से। एक रोड जो ये 4 लाइन है ना, 2 लाइन सिर्फ कावड़ के लिए छोड़ रखी है, 2 वे पे ही दोनों साइड की ट्रैफिक चली हुई है यहाँ पे, वन वे पे। तो काफी सारी भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ थी पीछे, अभी यहाँ से गढ़ गंगा से आगे 4 लाइन चालू कर दी, इससे पीछे 1 वे चालू था सिर्फ। तो चलते हैं अभी यहाँ से, चलते हैं दिल्ली की ओर। पीछे सिलेंदर बैठा है, हाय गाइस, प्रमोद गाड़ी ड्राइव कर रहा है, दोबारा से आवाज देना, हाय गाइस। तो भाई प्रमोद को हम जो कैंपी आएगा वहां से प्रमोद जाएगा गुड़गांव मेट्रो में, और हम वहां से हो जाएंगे अपने होम टाउन की तरफ, इस साइड क्षेत्र की साइड NH44 की तरफ। तो जल्दी आने वाला स्टॉपेज प्रमोद का भी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, अभी टाइम हो चुका है लगभग 3 बजने वाले हैं, 2:40 हो चुकी है, लगभग 4 बजे के आसपास तक हम पहुंच ही जाएंगे कैंपी में। ये आ चुका अभी सामने कैंपी, सोनीपत यहाँ से 69 किलोमीटर, और हमें जाना है सोनीपत वाले रास्ते पे ही। अभी एक बार इसको नीचे से क्रॉस करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर चढ़ेंगे। प्रमोद को छोड़ दिए यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ से, ठीक है ओके बाय। तो ये भी हम जब नैनीताल थे तो हमने न्यूज वगैरह देखी, उसमें पता लगा कि जो यमुना का पानी है काफी ज्यादा है, यमुना में पानी और जो खतरे का निशान उससे ऊपर बह रहा है यमुना का पानी। तो अभी रास्ते में यमुना नदी आएगी, उसका पुल आएगा रास्ते में, पुल के ऊपर खड़े होकर देखेंगे यमुना में कितना पानी है, वो आपको दिखाएंगे। भाई यहाँ रुकते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं यमुना का फ्लो कितना है, नीचे पानी दिखाते हैं एक बार। ये देखो भाई यमुना में इतना पानी है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी यमुना का काफी बड़ा एरिया है, वो वहां तक यमुना का एरिया है सारा, और यहाँ तक ये इसकी पटरी है, देखो ऐसे यहाँ से घूम गई इस तरफ। तो एरिया तो बहुत बड़ा है इसका, इतना ज़्यादा पानी नहीं है जितना हमें न्यूज़ पे देखा था। ये हो सकता है कि कल 1-2 दिन पहले पानी आया हो, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर देखो पानी काफ़ी चढ़ा हुआ, पहले यहाँ तक पानी आया था। तो अभी यहाँ से पानी नीचे है, पटरी जो ये अंदर की पटरी है नीचे, इससे थोड़ा नीचे पानी है अभी इस टाइम मौके। पानी की स्पीड भी आप देख सकते हो, काफ़ी स्पीड है पानी की। काफी स्पीड से पानी चल रहा है अभी, काफी स्पीड से। यहाँ किनारे पे जाके खड़े होकर देखते हैं ना एक बार, तो डर लगता है। जो व्यू था यहाँ वो हमने आपको दिखा दिया, अभी बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। एक और टोल प्लाजा के तैयार खड़े हुए, रावण की तरह बाजू चला रखे हैं उसने, देखो सामने
है ना भाई ये टोल प्लाजा देखो बिल्कुल रावण की तरह है। अभी भैया हम आ चुके हैं वापस अपने घर और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपको कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। वेट करना नेक्स्ट व्लॉग का, तब तक के लिए जय हिंद।